देश के 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट वायनाड पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है। इसके अलावा गुजरात की 1, कर्नाटक की 3, मेघालय की 1, असम की 5, पश्चिमी बंगाल की 6, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 2, बिहार की 4, केरल की 1 और राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। बता दें कि सिक्किम की 2 सीटों पर 30 नवंबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया था, इसलिए यहां वोटिंग नहीं हुई। चुनाव के दौरान कई सीटों से हिंसा की खबरें भी सामने आई है। पश्चिमी बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले के जगत दल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके और गोलीबारी की, इसमें उनकी मौत हो गई। बिहार के तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। दोनों गुटों में हुई मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक युवक का सिर फट गया। इसके बाद पुलिस ने यहां फ्लैग मार्च निकाला। सुनील पड़ा कि जबरदस्ती वोट दीजिए नहीं तो हम तुमको मारेंगे। बोला हम देवे नहीं करेंगे, हमारा मन जिसको मन उसको देंगे। हमारा मन करेगा तो जिसको देंगे, राजू को दे चाहे सुनील को, तो हमारा मर्जी है ना जी। तो बोलते हैं नहीं सुनील को दो तो मारेंगे। इधर राजस्थान में वोटिंग के दौरान देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। वे समरावत मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन और पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हाथापाई हो गई। इधर मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे हैं। तेलीपुरा पोलिंग बूथ के मतदाताओं ने वीरपुर थाने पर प्रदर्शन करते हुए श्योपुर मुरैना रोड पर चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप है कि रावत समाज के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों को वोट नहीं करने दिया जा रहा। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगा रही है। वहीं फर्जी वोटिंग की शिकायत की जाँच करने पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट पर 50 से 60 लोगों ने हमला कर दिया। वोटिंग के दौरान ऐसी घटनाएं होना इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी लगातार ऐसी खबरें सामने आने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों की गुंडागर्दी के आगे कहीं ना कहीं पुलिस और इलेक्शन कमीशन के हाथ बंध जाते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।